दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है। इसमें इसने एक ईएमएफ या वोल्टेज की अल्टरनेटिंग वोल्टेज की एक इक्वेशन दे रखी है वी इज इक्वल टू 100√2 साइन 100 πt। बस इससे आप कद का मजमूम समझ गए, आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। तो आपने कहा सर इसको हम कंपेयर करेंगे वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी से। पहला स्टेप है, यही चीज समझ में आ गई तो सब चीज समझ में आने लगेगी। कंपेयर किया 100√2 और ओमेगा को 100 π, तो फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान हो गया। कितना होता है 2 π f 100 π, पाई से पाई गया, फ्रीक्वेंसी आ गई 50 Hz। आपको आरएमएस वैल्यू चाहिए थी, वी आरएमएस वी जीरो अपॉन √2 100√2 अपॉन √2 डिवाइड कर दीजिए 100 वोल्ट।